हेलो बच्चों, हमने परावर्तन के बारे में आपको बताया है कि परावर्तन कैसे होता है, गोली दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। अब इसमें कुछ ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि दर्पण से दूरी कैसे नापी जाती है। देखिए, चाहे वो उत्तल दर्पण हो और चाहे वो अवतल दर्पण हो, दूरी हमेशा फोकस से नापी जाती है, सॉरी पोल से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। जो दूरी इधर, जैसे ये वाला हम ध्रुव लेते हैं, जो दूरी इधर की ओर नापी जाएगी धनात्मक एक्स दिशा में वो धनात्मक होगी, और जो इधर नापी जाएगी वो माइनस होगी। जो ऊपर नापेंगे प्लस, नीचे माइनस, इधर वही यहां भी नियम लगेगा, ऐसा बुक में लिखा हुआ है और यही सही माना गया। लेकिन जब आप किसी कंपटीशन में जाएंगे वहां थोड़ा टेक्निकल चीज है, देखिए ध्यान से। अब अगर हम इस दर्पण के बारे में बात करें, मैं इसको उत्तल दर्पण बना देता हूं, इधर पॉलिश कर देता हूं, अगर वस्तु इधर रख दूं मैं तो यहां से लाइट गिरेगी दर्पण पे आकर के, तो दूरी हम क्या करेंगे। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, दूरी कहां से नापनी है, ध्रुव से। ये तो बात सही है, अगर प्रकाश जिधर चल रहा है उस दिशा में दूरी नापोगे तो धनात्मक, और उसके अपोजिट नापोगे तो ऋणात्मक। मैंने इसलिए बता दिया कि कुछ न्यूमेरिकल्स आप पढ़ेंगे कुछ कंपटीशन की बुक में, वहां पर ऐसा नियम है। फिलहाल आप याद रखो, ये दूरी पॉजिटिव, इधर की नेगेटिव, ऊपर की पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव, लेकिन नियम हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये तो दूरी नापने की परिपाटी है। अब गोली दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी जिसको कि एफ से लिखते हैं, वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं। इनमें संबंध बताने जा रहे हैं, ठीक है। फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, F, U और V में संबंध। F, U और V के बारे में आप बहुत छोटे क्लास से पढ़े हैं, इसलिए उसको हमने लिखा नहीं पूरा। तो पहले हम उत्तल दर्पण ले, फिर अवतल दर्पण ले, पहले हम अवतल दर्पण ले रहे हैं। देखिए ध्यान से, अवतल दर्पण के लिए हम इस प्रूफ को करने जा रहे हैं, अवतल दर्पण लेने जा रहे हैं। देखिए, ये एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है। दूरी कहां से नापनी है, ध्रुव से नापनी है। इसका नाम दे दो एस पी एस डैश। यहां पर एक वस्तु रखी हुई है ओ डैश, वस्तु की दूरी क्या ली जाएगी यहां से, यू। दूरी कहां से नापनी है, पी से। तो जब दूरी हम वस्तु की नापेंगे इधर की तरफ तो कैसे लिखेंगे, माइनस में। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। हमने बताया है आपको कि प्रतिबिंब का नियम क्या होता है, कि भाई परावर्तन के बाद प्रकाश किरण जहां कटे, तो यहां से किरणें तो लाखों चल रही होंगी, तो जिनके परावर्तन के नियम हमको मालूम है, कम से कम दो रेखाएं वैसी हम लेंगे, तो एक तो हम इसको समांतर डाल देते हैं ओए, ये कहां से होकर जाएगी, तो आप कहेंगे फोकस से होकर जाएगी, एफ से होकर जाएगी, और एक वक्रता केंद्र से लेके चले जाओ सी से, और वो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ये फोकस हो गया, यहां दोनों कट रही है, वास्तव में कट रही है। तो जब वास्तव में कटती है तो वहां कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब यहां बनता है, इसका नाम दे दो आई आई डैश, ठीक। तो ये तो हो गया डायग्राम, लिखेंगे कैसे, इतनी सारी रेस आपने बना दी है। आप लिखेंगे एस पी एस डैश एक अवतल दर्पण है, उसके सामने एक ओ डैश वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब आई ए डैश बनता है बस, और यहां से एक लंब हमने डाला एम, और एम बिंदु चूंकि पी के बहुत नजदीक है, तो जहां पर ये जो दूरी नापेंगे एम से, एम को पी के पास मानेंगे, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया, अब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो, ये दो त्रिभुज देखें आप, त्रिभुज ओ ओ डैश सी और त्रिभुज आई आई डैश सी। देखिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख हैं, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समरूपता की प्रमेय क्या होती है, कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत का मतलब समान कोण के सामने की भुजाएं संगत भुजाएं कहलाती हैं। जैसे
इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये वाली भुजा, इसके सामने ये वाली भुजा संगत है, इसको लेना नहीं आपको है। इसके सामने ये वाला कोण है, इसके सामने क्या है ओ डैश, और इस वाले कोण के सामने क्या है आई आई डैश, ओ ओ डैश अपान आई आई डैश बराबर सी ओ अपान सी आई, ये समीकरण नंबर एक हो गया। ठीक, अब इधर आइए, इधर ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं ए एफ एम और आई एफ आई डैश, त्रिभुज ए एफ एम और त्रिभुज आई आई डैश एफ कैसे हैं, समरूप है, सर्वांग समी है, सर्वांग समय सर्व अंग समान होते हैं। जैसे किसी का चेहरा कह वो मां को पड़ी है, तो मां की नातु इतनी बड़ी है, बच्चे की इतनी बड़ी है, तो वो उसके समरूप है। और जब कहा जाए कि भाई मेरा शर्ट कहां है, कहीं लड़का पहन गया, तो वो उसके सर्वांग सम हो गया। ठीक है, यहां समरूप की बात हो रही है। तो अब इसमें क्या होगा ए एम अपान आई आई डैश इज इक्वल टू एफ एम अपान आई एफ, क्योंकि हमको दूरी लेना है, हमको इस हाइट से मतलब नहीं है, तो जहां ए एम है वहां क्या ले सकते हैं ओ डैश, तो ए एम को लिख दिया हमने ओ डैश अपान आई आई डैश इज इक्वल टू एफ एम अपान, अच्छा एम बिंदु को हम क्या मानेंगे पी के बहुत नजदीक है, तो इसको एफ पी लिख दो आई एफ, समीकरण नंबर दो डाल दो, यहां लिख दो कि जहां ए एम को क्या लिखा गया है ओ डैश और एफ एम को क्या लिखा गया है एम एफ पी लिखा गया है, क्यों, क्योंकि लिखा गया है, ये माना गया है कि इसका द्वारक बहुत छोटा है, तो ये एम बिंदु पी के बहुत नजदीक है। फिजिक्स की ये बहुत बुरी आदत है कि बहुत छोटी वैल्यू छोड़ दो, जब जरूरत है तो बुला लो, नहीं भी आपको आना पड़ेगा, आ गए, जरूरत नहीं है बोले जाइए क्यों आए थे भाई, लेकिन अब है तो है, यही फिजिकल वर्ल्ड में होता है, यही फिजिक्स में होता है। अब जरा इन दोनों त्रिभुजों को देखते, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, इनकी तुलना कर देते हैं समीकरण एक और दो से। समीकरण एक और दो से देखिए, ये हो जाएगा सीओ अपान सी आई इज इक्वल टू एफ पी अपान आई एफ, ये समीकरण नंबर तीन आ गया। अब ये दूरियां निकालिए और प्रूफ कर दीजिए, देखो जरा दूरी कहां से नापनी है पी से। अब जब हम सीओ निकालेंगे तो सीओ तो ये वाली दूरी है, ये तो यहां से कैसे निकालें, तो ओपी में से पीसी क्या कर दें माइनस कर दें, तो पीओ माइनस पीसी, पीओ क्या है वस्तु की दूरी यू प्लस या माइनस, माइनस यू माइनस, पीसी क्या है वक्रता त्रिज्या क्या होती है आर प्लस या माइनस, माइनस माइनस तो यहां हो जाएगा प्लस, लेकिन मुझे आर चाहिए नहीं, तो आप पढ़ चुके हैं कि एफ बराबर आर बाई टू होता है, तो आर को क्या ले सकते हैं टू एफ, तो आएगा माइनस यू प्लस टू एफ, ये तो सीओ निकल आया। अब सी आई निकालते हैं, सी आई, सी आई ये वाली दूरी है, ये मुझे मालूम है कहां से नापनी है पी से, तो सीपी में से पी आई माइनस कर दो, सीपी माइनस पी आई, सीपी है माइनस आर माइनस पी आई क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी वी होती है, दूरी धन आप रहे हो माइनस का भी यानी प्लस का भी, आर को क्या लिखेंगे टू एफ, तो माइनस टू एफ प्लस वी, सी आई निकल आया। एफ पी निकालते हैं, एफ पी क्या दूरी है, तो फोकस दूरी आपकी है, ये एफ दूरी है यहां से प्लस या माइनस, माइनस, अब क्या निकालेंगे आई एफ, आई एफ ये वाली दूरी है, तो क्या करें आई पी में से एफ पी माइनस कर दो, आई पी माइनस एफ पी, आई पी क्या है प्रतिबिंब की दूरी माइनस का भी, और एफ पी क्या है फोकस दूरी माइनस का एफ प्लस का एफ, दूरियां संभाल होंगे, ये सभी मान समीकरण तीन में रख दो, डायग्राम रख कर दो, देखिए ये सभी मान समीकरण तीन में रखने पर ये सभी मान, ये सभी मान समीकरण तीन में रखने पर देखिए सीओ क्या लिखा आपने माइनस यू प्लस टू एफ अपान, सी आई क्या लिखा आपने माइनस टू एफ प्लस वी, एफ पी क्या लिखा आपने माइनस का एफ, आई एफ क्या लिखा माइनस वी प्लस एफ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा कर दो,
तो इसको इसके साथ ले जाओगे तो आएगा यूवी यूवी माइनस यूएफ माइनस टू एफ वी प्लस टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो आएगा टू एफ स्क्वायर माइनस एफ वी, ये कट गया। यूवी इधर लिखा रहने दो कोई दिक्कत नहीं, उधर माइनस एफ वी है लिखा रहने दो, ये यूएफ उधर ले जाओ प्लस का यूएफ और ये माइनस का टू एफ वी जाके प्लस का टू एफ वी हो जाएगा। तो इसको इसको सॉल्व करो एफ वी प्लस यूएफ ये क्या निकला यूवी। अब क्या करिए आप यूवीएफ से भाग कर दो, यूवीएफ से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा यूवी अपान यूवीएफ इज इक्वल टू यूवी अपान यूवीएफ इज इक्वल टू एफ वी अपान यूवीएफ प्लस यूएफ अपान यूवीएफ, तो वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान वी प्लस वन अपान वी, ध्यान रखिए लेंस में माइनस वन अपान वी होता है। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए कैसे निकालेंगे। अब आते हैं उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण हेतु घेरी वही रहेगी, देखो ध्यान से, ये उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, लिखेंगे एस पी एस डैश एक उत्तल दर्पण है। अब इसका अंदर का भाग कैसा होगा, पॉलिश्ड होगा। ठीक है, यहां पर एक वस्तु रखी हुई है ओ डैश, ये एक वस्तु रखी है ओ डैश, यहां पे एक प्रकाश किरण गिरी मुख्य अक्ष के समांतर, अंदर जा नहीं सकती क्योंकि पॉलिश है, वो क्या होती है अभिलंब से दूर हट जाती है और पीछे पड़ाने पर कहां से निकलती हुई प्रतीत होती है एफ से। ठीक है, और यहां है वक्रता केंद्र, एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र आती है लेकिन आ नहीं पाती, रास्ते में ये मिल जाते हैं भाई साहब, तो ये यहां पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है और यहां पे इनका इमेज बनता है आई आई डैश, और यहां से एक लंब डाल दिया एम, डायग्राम वही पिछला वाला है लगभग लगभग, तो ये तो आपका हो गया डायग्राम। ठीक है, आप प्रूफ करते हैं, देखिए पहले त्रिभुज देखिए सी ओ ओ डैश और सी आई आई डैश, ये 90 ये 90 ये दोनों कॉमन है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज डायग्राम के बारे में क्या लिखेंगे कि एस पी एस डैश एक उत्तल दर्पण है, उसके सामने एक ओ डैश वस्तु रखी हुई है, वस्तु की दूरी क्या होगी यू, ये प्रतिबिंब बना हुआ है, ये दूरी वी हो गई और ये फोकस दूरी एफ हो गई और ये वक्रता त्रिज्या है, इसके सामने एक वस्तु ओ डैश रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब आई ए डैश पर बनता है, आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में क्लियर देखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज सी ओ ओ डैश सी ओ ओ डैश और त्रिभुज सी आई आई डैश कैसे हैं, तो आप कहेंगे समरूप है, तो ओ ओ डैश अपान आई ए डैश ओ ओ डैश अपान आई आई डैश इज इक्वल टू सी ओ अपान सी आई, ये समीकरण नंबर एक हो गया। इधर आइए एफ ए एम, ये देखिए त्रिभुज दिख रहा आपको, और एफ आई आई डैश त्रिभुज एफ ए एम और त्रिभुज एफ आई आई डैश कैसे हैं, ये भी दोनों समरूप हैं, तो यहां की करेस्पॉन्डिंग टर्म क्या होंगे ए एम अपान आई आई डैश इज इक्वल टू एफ एम अपान एफ आई, ए एम की वैल्यू किसके इक्वल है ओ डैश के इक्वल है और एफ एम को क्या लिखेंगे आप ये एफ पी, तो हमने क्या किया ए एम को लिख दिया ओ डैश अपान आई आई डैश और एफ एम को लिख दिया एफ पी अपान एफ आई, ये समीकरण नंबर दो हो गया। यहां लिखेंगे जहां ए एम इज इक्वल टू ओ डैश और एफ एम इज इक्वल टू एफ पी लिखा गया है, डैट कर सकते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को देखा जाए तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे, तो दोनों समीकरणों को लिख दो समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और
दो से, ये हो जाएगा CO अपान CI इज इक्वल टू FP अपान FI, ये समीकरण नंबर तीन हो गया। अब वही सब दूरियां निकालिए, दूरी कहां से नापनी है, P से नापनी है, ध्रुव से नापनी है। देखिए CO निकालने जा रहे हैं, CO दूरी क्या है, ये वाली है, नापना कहां से, P से, तो CO कैसे निकालेंगे, CP में से OP प्लस कर देंगे तो आएगा CP प्लस OP, CP प्लस OP, लिखो CP चाहे लिखो आप OP, P से दूरी नापनी है, CP तो हमने यहां से यहां तक पहुंच गया, नापना P से है, P से C तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या है R, प्लस या माइनस, इधर की दूरी कैसी होती है प्लस, तो ये तो हो गई आपकी R प्लस में, OP क्या है U माइनस में, तो माइनस के U हो गया, R की वैल्यू किसके इक्वल होती है 2F माइनस U, ये CO निकाला, CI निकालते, CI CI देखिए ये वाली दूरी है, CP में से PI माइनस कर दो, CP माइनस PI, क्योंकि दूरी दोनों उधर की है तो दोनों धनात्मक होंगी, तो CP मतलब R और PI मतलब V, R की वैल्यू 2F माइनस, ये माइनस पहले से लगा हुआ है, हमने नहीं लगाया, अगर हम माइनस लिखते हैं तो प्लस हो जाता। FP क्या है, FP आप कहेंगे भाई फोकस दूरी है, वो तो ऑलरेडी प्लस में F है, और FI क्या है, FI ये दूरी है, उसमें FP में से PI माइनस कर दो, FP माइनस PI, FP माइनस PI, FP है फोकस और PI क्या है V, तो ये दूरियां हो गई, ये सभी मान समीकरण नंबर तीन में रख दीजिएगा, ये सभी मान समीकरण तीन में रखने को, जरा राइटिंग गड़बड़ा है समझ लीजिएगा, CO क्या है ये 2F माइनस U अपान CI क्या है 2F माइनस V इज इक्वल टू FP क्या है F और FI क्या है F माइनस V, तिरछा गुणा कर दीजिए, इधर क्या आएगा 2F स्क्वायर माइनस FU माइनस 2FV प्लस UV इज इक्वल टू, इधर करिए तो आएगा 2F स्क्वायर माइनस FV, ये 2F स्क्वायर कट गया, ये प्लस का UV लिखा रहने दो, उधर माइनस का FV है, ये माइनस का FU जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 2FV हो जाएगा, प्लस का 2FV माइनस का FV FV हो जाएगा, तो FV प्लस FU इज इक्वल टू UV, अब क्या करेंगे UV F से भाग दे दो, भाग देने पर तो क्या हो जाएगा UV अपान UF इज इक्वल टू FV अपान UVF प्लस FU अपान UVF, यहां से UV कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान U प्लस 1 अपान V, फिर बता दें दर्पण के लिए प्लस होता है और लेंस के लिए 1 अपान V माइनस 1 अपान U होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये तो हो गया आपका, ये एक चीज और यहां पर आती है आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन, देखिए दो प्रकार के आवर्धन होते हैं, अगर आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ इस प्रकार से खड़े हो जाओ और आप ये चौड़ाई को वैसे बढ़ जाए तो ये दूसरा आवर्धन है, अगर ये लंबाई बढ़ती है उसको रेखीय आवर्धन कहते हैं, तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन इसको एम से लिखते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसको y2 से लिख सकते हैं, इसको y1 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो ये रेखीय आवर्धन है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, मान लिया आपको वस्तु की लंबाई नहीं दी गई है, वस्तु की दूरी दी गई है, तो क्या करेंगे आप, तो अवतल दर्पण के लिए इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं, देखिए अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र, अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन डायग्राम हमारे हिसाब से बनेगा, देखिए ये डायग्राम बनाया हमने, ये पोल है, ये वाला पार्ट इसका पॉलिश्ड है,
यहां एक वस्तु रखी हुई है ओ डैश। अब हम यहां से कैसे इसका डायग्राम बनाए, देखिए हम एक रेखा ले जाएंगे समतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर ये, और कहां से पास कराएंगे फोकस से, एक यहां से ले जा सकते हैं लेकिन ट्रायंगल लेने में दिक्कत हो जाएगी, तो एक हम पोल से गिरा देंगे और परावर्तन के नियमानुसार जितने कोण पे गिरेगी उतने ही कोण पे इसका परावर्तन हो जाएगा, ये दोनों कोण समान हो जाएंगे, ये आई तो ये भी आई, और यहां पर इसकी इमेज हम बना देंगे आई आई डैश। ठीक, अब देखिए त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वस्तु है तो ये वस्तु की दूरी यू है, ये प्रतिबिंब की दूरी वी है, ये फोकस दूरी बात जरूरत नहीं है। अब देखिए त्रिभुज ओ पी ओ ओ डैश और त्रिभुज पी आई आई डैश कैसे हैं, तो आप कहेंगे दोनों समरूप हैं, क्यों देखिए ये 90 ये 90 ये दोनों कोण बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो वही चीज संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। देखिए सबसे पहले हम लेंगे आई आई डैश, आई आई डैश अपान ओ ओ डैश इज इक्वल टू पी आई अपान पी यू। आई आई डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वाई टू नीचे की तरफ है तो माइनस वाई टू अपान ओ डैश क्या है ऊपर की तरफ प्लस वाई वन इज इक्वल टू पी आई क्या है पी से आई की दूरी माइनस का वी पी से ओ की दूरी माइनस का यू, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये माइनस उधर जाएगा तो वाई टू माइनस वाई टू अपान वाई वन इज इक्वल टू माइनस वी अपान। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, अभी हमने बताया रेखीय आवर्धन जो होता है एम बराबर होता है y2 टू अपान वाई वन इज इक्वल टू माइनस वी अपान। जरा इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, देखिए जब आप वैल्यू रखोगे भाई या तो आपको प्रतिबिंब की और वस्तु की ऊंचाई दी हुई होगी और या तो दूरी दी हुई होगी, अगर ये वैल्यू रखोगे इसको छुपा लो तो वाई टू निगेटिव रखोगे वाई वन पॉजिटिव रखोगे तो वैल्यू निगेटिव आएगी, यानी एम माइनस में आया, माइनस में आने का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा। ठीक, अब इसको छुपा लीजिए v माइनस में u माइनस में दोनों माइनस में, माइनस माइनस प्लस और माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये फिर नेगेटिव हो गया तो m अल्टीमेटली नेगेटिव आएगा, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अगर m ऋणात्मक आएगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, m धनात्मक आएगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक है, एम एक से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा, एम एक से छोटा होगा प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये आपके परावर्तन का कंसेप्ट है, उसके बाद अपवर्तन आएगा। ओके, थैंक यू।